अरुणाचल के ईटानगर प्रशासन ने किसी एपीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया में किसी अज्ञात संगठन द्वारा बुलाए गए 3 दिवसीय बंद को अवैध घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यक्तियों द्वारा 3 दिवसीय अरुणाचल बंद बुलाया गया था। यह बंद 10 मई से 12 मई तक के लिए आह्वान किया गया था। मीडिया को संबोधित करते हुए आईसीआर के जिला मजिस्ट्रेट तालो पोतोम ने कहा कि 9 मई की रात 10 बजे से राजधानी में 144 धारा लागू कर दी जाएगी। इस दौरान पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा, साथ ही इस दौरान लाइसेंस धारकों को शस्त्र समर्पण करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है क्लियर लिखा है, आपका फ्रीडम होगा, आपका राइट होगा, आपका फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन डेथ उस फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कौन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेके यू कैन नॉट टेक द रैंसम ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी का जो राइट है, फ्रीडम है, उसको नहीं ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसलिए बंद कॉल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर किया हुआ है। इस बात को लेके हमारा जो लॉफुल हमारा जो इंटरवेंशन है तो वो है 144 डिक्लेयर किया है, अनलॉफुल एक्ट का हम लोग प्रोवोक इन्वोक किया है। आई हैव गिवन डायरेक्शन टू द एसपी कैपिटल टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उस अप्रोप्रिएट एक्शन को लेके क्या क्या चीज़ होता है, हमारा पब्लिक से जो कोऑपरेशन चाहिए वो है कि इस लॉ के अंदर में आप बंदूक या दाऊ ये सब लेके वेपन लेके ईटानगर के अंदर में नहीं घूम सकता है। घूमेगा वो सीज हो जाएगा, आपका ऊपर में भी सेक्शन ला